अस्सलाम वालेकुम। हेलो रीडर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैर कैसे होंगे। अगर मेरा ये नावल आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। इसको कंप्लीट वॉच कीजिएगा। मेजर अभी तक रिपोर्ट दी है मैंने आपको, कैप्टन शाजर बोला, गुड शाजर, एक दिन में बहुत अच्छा काम कर दिया तुमने, अब बस थोड़ा वक्त है फैसू की सज़ा में। मेजर मुस्कुराकर बोला, जी सर। ये आज मेजर कुछ ज़्यादा ही नहीं मुस्कुरा रहे, लगता है बीवी। नहीं नहीं बीवी, शादी कहाँ हुई होगी, मुझसे तो 3-4 महीने बड़े होंगे। हाँ गर्लफ्रेंड हो सकती है, आज डेट पर गई हूँ बस, जब भी इतना मुस्कुरा रहे हो। शाजर मेजर को देखते हुए सोच रहा था और अपनी ही सोच पर हंसा। हो गया कैप्टन, सोच लिया मेरे बारे में, मेजर मुस्कुराकर बोला। नहीं सर, वो शाजर गड़बड़ा गया, तो मुझे कुछ परेशान भी लग रहे हो, कोई बात है? मेजर शाजर को देखते हुए बोला। मेजर बात तो है, समझ नहीं आ रहा कि आपको बताऊं या नहीं, घर का मसला है वैसे तो, शाजर सोचते हुए बोला। शाजर तुम मुझे भाई समझो, मैं सिर्फ मेजर नहीं हूँ, अभी ये समझो कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेजर नरम नैचे में बोला। सर मेरा भाई फैसू को एक लड़की पसंद है, जुनून की हद तक, वो कुछ भी कर सकता है उसके साथ अगर उसको वो लड़की ना मिली तो, और मैं उस लड़की की ज़िंदगी ख़राब नहीं होने दूंगा। ये पिक्चर देखिए, शाजर ने बताते हुए मोबाइल में मौजूद पिक्चर मेजर को दिखाई। मेजर ने मोबाइल में जो ही मौजूद लड़की की पिक्चर देखी, पेशानी पर भर पड़ गए, आंखें गया वो गजब से लाल हो गई। अगर मैं चाहता हूँ इस लड़की को बचा लूँ, लेकिन कैसे, समझ नहीं आ रहा। मैं सोच रहा था कि अगर मैं इस लड़की से निकाह, शाजर की बात बीच में ही रह गई जब शाजर ने मेजर की आंखों में देखा जो गैस और गजब से लाल हो रही थी। तुम जानते हो ये कौन है, मेजर ने सख्त लहजे में सवाल किया। नहीं सर, शाजर को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। शी इज़ माई वाइफ मिसिस हैदर मुर्तज़ा, मेजर हैदर ने हर लफ्ज़ चबा चबा कर कहा और शाजर के सर पर बम फोड़ा। क्या, सॉरी मेजर, मुझे वाकई नहीं पता था, सॉरी सर, शाजर मेजर से नज़रें झुका कर बोला। कोई बात नहीं, तुम्हें तो कुछ पता नहीं था, लेकिन अब फैसू की मौत बहुत अजियतनाक होगी, मेजर हैदर इस लहजे में बोला था कि शाजर भी खौफ से कांपने लगा था। क्योंकि मेजर हैदर दुश्मनों को ऐसी अजियतनाक सजा देता था कि इंसान खुद मौत मांगने पर मजबूर हो जाता था। जी 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 सर, मैं जाऊँ, शाजर ने जाने में ही आफियत जानी। हाँ जाओ और काम पर ध्यान दो, हैदर सख्ती से बोला। जी सर, और अब हैदर की मंजिल माहीन थी। एक तो तुम हर वक्त आ जाते हो, फारिग इंसान काम वाम नहीं होता तुम्हें, माहीन हैदर को देखकर बोली। ये जो तुम्हारी जबान है ना, इसका ज़रा कम इस्तेमाल किया करो, नहीं तो पहले ही हैदर को गुस्सा था, ऊपर से माहीन की बातें गुस्से को हवा दे रही थी। मेरी जबान मेरी मर्जी, माहीन फर से बोली। या अल्लाह, मैंने कौन सा ऐसा गुनाह किया था जिसके अजाब में इसको मेरी ज़िंदगी में डाल दिया, हैदर हाँ भरकर बोला। गुनाह नहीं, नेकी की होगी कोई जो मैं मिल गई जबरदस्ती ही सही, माहीन हैदर को जिद करने के मूड में थी। हाँ हाँ हाँ, वेरी फनी, हैदर चबा चबा कर बोला। खैर क्यों आए हो जंगली इंसान, माहीन कौफ से बोली। ये बताओ फैसू को कैसे जानती हो? कौन फैसू, माहीन ने ना समझी से बोला। ये हैदर ने फैसू की पिक्चर माहीन के सामने की, ये वो मार्केट वाला, माहीन फौरन बोली। कौन मार्केट वाला, सब बताओ, हैदर संजीदगी से बोला। मैं क्यों बताऊँ, माहीन अकड़कर बोली। मेरे सामने ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट ज़बान का इस्तेमाल करो अपनी, हैदर कौफ से बोला। लेकिन तुमने थोड़ी देर पहले बोला था कि ज़बान का इस्तेमाल कम किया करो, माहीन मासूमियत से बोली। जैसे तुम तो मेरी हर बात मानती हो, हैदर माहीन की बात पर बोला। माहीन ने फिर उस दिन वाला सारा वाक्या सुना दिया। ये जो तुम्हारी बुर्ज खलीफा जितनी ज़बान है ना, इसका इस्तेमाल अब कम करना, हैदर को माहीन की कार्रवाई सुनकर गुस्सा आया। हाँ मुझे एहसास है, अगर मैं ज़बान का इस्तेमाल कम करती तो आज तुम मेरे सामने नहीं होते, माहीन तब कर बोली। अच्छा है, एहसास तो हुआ तुम्हें, हैदर दिलचस्पी से बोला। मेरा मतलब ज़बान का इस्तेमाल कम और हाथों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए था, अब एक थप्पड़ से तो काम नहीं बनता ना, माहीन मासूमियत से बोली और हैदर को तपाया। और जिस दिन मैंने ज़बान की बजाय हाथ का इस्तेमाल किया ना, तो तुम एक हफ्ते नहीं उठ पाओगी, हैदर तब के बोला। वो दिन आएगा ही नहीं, खैर अब जाओ, मुझे नींद आ रही है, माहीन बेजारी से बोली। नींद की सारी टेबलेट्स खा लो ताकि मेरी जान छूटे, हैदर तेज से बोलकर निकल गया। पता नहीं क्या एटम मिला है मुझे, हैदर आसमान की तरफ देखकर बोला। रजा और बासिर तुम दोनों शाजर का पीछा करोगे, शाजर की कार मुझे आई थी, वो आज शाम में फैसू के साथ अड्डे पर जा रहा है, तुम दोनों उन लोगों का पीछा करोगे। और हाँ ध्यान रखना, फैसू को शक नहीं होना चाहिए, आज तुम दोनों वो अड्डा देख लो, फिर रात में उस अड्डे को ख़त्म कर देंगे, एक बार बस जगह मालूम हो जाए, हैदर संजीदगी से बोला। ठीक है हैदर, वैसे उस तहखाने का पता चला कुछ, बासिल बोला। नहीं उसका ही तो पता लगाना है, थोड़ा वक्त लगेगा, फिर शाजिर को पता चल जाएगा तो वो हमें बता देगा, हैदर बासिल से बोला। वैसे हैदर तुम माहीन को सच बता दो, बासिल एकदम बोला। अभी नहीं, हैदर फर से बोला। क्यों नहीं, उसे मालूम होना चाहिए यार, बासिल फिर बोला। बासिल अभी सही वक्त नहीं है, जब होगा तो मैं बता दूंगा, फिक्र मत करो, हैदर अटल लहजे में बोला। गोया बात ही खत्म कर दी।
भाई चलना नहीं है क्या? मैं तैयार हूँ, शाज़े फैसू के रूम में दाखिल होते हुए बोला। हाँ बस मैं ज़रा तैयार हो जाऊँ, सॉरी यार मैं भूल गया था तुम यहाँ रुको, मैं आया, फैसल शाज़े से बोलकर चला गया। फैसू वॉशरूम गया तो शाज़े ने मौका पाकर चौका लगाया और माइक्रोफोन चिप फैसू की स्टडी टेबल पर लगा दी। फिर ड्रॉस में चंद देखने लगा और एक जगह ठहर गया। ये एल्बम किसकी है? शाज़े ने एल्बम निकाल कर खोली। ये तो माहीन मतलब मिसिस हैदर मेजर की बीवी की पिक्चर्स, वो भी इतनी सारी। वो पिक्चर्स देखते हुए बोला, माहीन की पिक्चर जो फैसू ने छुपा कर ली थी यूनी में, रास्ते की, मॉल की, शॉप की, हर जगह की। भाई इस लड़के के मामले में बहुत जरूरी लगते हैं, पर भाई को कौन बताएगा कि वो मेजर हैदर की बीवी है? लेकिन खैर मेजर खुद ही बता देगा, अल्लाह ही हाफिज़ है भाई का। तो शाज़े ने अफसोस से सर झुकाया और रूम से निकल गया। हेलो कौन? माहीन कॉल रिसीव करके बोली। माहीन मैं सज्जल, सज्जल की आवाज़ उभरी। सज्जल तुम कैसी हो, कहाँ हो, कितनी कॉल्स की मैंने तुम्हें? माहीन हैरान से बोली। माहीन तुम ठीक तो हो ना, बताओ क्या कर रही थी? सज्जल ने बात टाली। मैं भी ठीक हूँ सज्जल, मैं बहुत अकेली हो गई, तुम भी चली गई, बाबा भी चले गए, बस वो हफ्ते में एक दफ़ा कॉल करके पूछते हैं। सज्जल तुम्हें नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ है? वो हैदर जिसको मैंने थप्पड़ मारा था ना, उसने मुझसे बदला लिया, ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर निकाह किया मेरे साथ, माहीन रोते हुए सज्जल को बता रही थी। माहीन मेरी जान सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो, मैं उससे इजाज़त लेकर आऊँगी, सज्जल बोली। किससे इजाज़त लोगी? माहीन हैरान हुई। वो अम्मी अबू से, सज्जल अटक अटक कर बोली। अच्छा फिर बाद में बात करती हूँ, खुदा हाफिज़। देखो ये है वो जगह जहाँ फ़रोख करने का माल मौजूद होता है, ये ड्रग्स और असला फैजू ने शाज़र को दिखाया। ये असला इंपॉर्टेंट है क्या? शाज़र ने सवाल किया। नहीं ये लोकल है, असली और महंगा असला और मनशा तो तय खाने में है। पहले तो मैं इधर थोड़ा बहुत रखता था, लेकिन कुछ दिनों से पता नहीं कौन मेरे पीछे पड़ गया, पहले यूनी वाला रास फाश किया, फिर मेरे अड्डे पर आग लगा दी, ये सब हो रहा था इसलिए तय खाने में सब रख दिया, फैजू तफसीली मालूम दे रहा था शाज़र को। ओ अच्छा तो भाई मुझे तय खाने ले जाए प्लीज़, शाज़र बच्चों की तरह बोला। अरे मेरी जान ले जाऊँगा, फिक्र क्यों करते हो हफ्ते को, फैसू मेरे मुंह प्यार से बोला और उसका इस तरह बोलने पर शाज़र को उससे हकारत महसूस हुई। हैदर हमने वो जगह देख लिया, रात ही रेट परवाएंगे, बासिर हैदर से बोला। गुड यार अब बस तय खाने का पता चल जाए बस, हैदर सोचते हुए बोला। उसका भी पता चल जाएगा, बासिर सुकून से बोले हंकार भरी। अच्छा एक मिनट, बासिल हैदर बोला ही रात बोल ही रहा था कि मोबाइल पर कॉल आई। हाँ बोलो। अच्छा सही है चली जाओ, लेकिन उसे कुछ बताना नहीं समझी, हैदर कॉल पर मुकाबिल से बोला और कॉल काट दी। सबर आ रही हूँ, माहीन गेट की तरफ जाते हुए बोली जो नॉक हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम, सज्जल ने सलाम किया। सज्जल तुम वाकई सच में? माहीन सज्जल को देखकर हैरान हुई। जी जनाब मैं हूँ, अंदर तो आने दो बहन, सज्जल खुशी से बोली। हाँ आओ और अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, माहीन गेट बंद करते हुए बोली। मैं जा भी नहीं रही, तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी जब तक अंकल नहीं आ जाते, सज्जल माहीन से बोली। मतलब 2 महीने? माहीन खुशी से बोली। हाँ बिल्कुल फैसल साहब, सच बता रहा हूँ मैं आपको, आपसे झूठ बोलकर क्या करूँगा, अकरम बोला। ऐसा नहीं हो सकता, मैं उस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा, वो मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी बस, फैसू सोचते हुए बोला। और अब तूफान का इंतजार है जो सबकी जिंदगियों को अपनी लपेट में ले लेगा। सर खान मैंने उस अड्डे का पता लगवा लिया है और रात को रेड करवाएंगे, मेजर हैदर ने मुकाबिल को बताया। गुड वेरी गुड, बस अब उस जगह का जल्द जल्द पता चल जाए और वहाँ ख्याल रखना, रात को अड्डे को तुम तबाह करोगे तो फैसू भी चुप नहीं बैठेगा, ख्याल रहे, वो बहुत होशियार है, इतने नुकसान के बाद वो चुप तो है ज़रूर, वो अंदर ही अंदर कुछ सोचे बैठा है, सर खान सोचते हुए बोले। सर खान मुझे भी यही लगता है, उसको हमारे बारे में शायद कुछ पता चल गया, लेकिन कैप्टन शाज़र के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए हम मुतमईन हैं, और कर्नल इमरान भी अपने तरीके से नजर रखे हुए हैं। मेरी बात हुई थी इमरान से, खैर अपना ख्याल रखना और सबका भी, और उसका भी, सर खान बोले। जी सर सबका बहुत ख्याल है, अपना भी और सबका भी, आप परेशान ना हो, मेजर हैदर बोले। गुड गुड, इस मिशन में अब खतरा बढ़ गया है, फैसू किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है और इस मिशन को किसी भी तरह फतह करना है, मेजर सर खान बोले। सर खान मैं पाकिस्तान के दफा की आखिरी लकीर हूँ, मैं ISI हूँ, मेजर हैदर जोश से बोला। मेजर हैदर तुम इस मिशन की भी आखिरी लकीर और तुम्हारा नाम ISI में बहुत मकबूल है, इसीलिए इस मिशन में तुम्हें शामिल किया गया, भरोसा किया गया मिशन पर भी और अपनी जान से प्यारी चीज देकर भी, मेजर का जोश देखकर बोले। सर खान मैं शुक्रगुजार हूं आपका और अपने पाक रब का, जिसकी वजह से मैं मुल्क के साथ वफा कर सका हूं और आप लोगों के भरोसे पर पूरा उतरा, मेजर हैदर बोला। गुड, खैर ख्याल रखना अपना भी और उसका भी, और याद रखना कि तुम पाकिस्तान के दफा की आखिरी लकीर हो, सर खान बोले। यस सर, इसी पहचान की वजह से मैं हर कोशिश करता हूं, चाहे जिंदगी वफा करे या ना करे, लेकिन मैं हर तौर पर मुल्क से वफा करूंगा आखिर सांस तक, मेजर हैदर आजम से बोला। गुड मेजर, खुदा हाफिज। अक्रम शाज़र कहाँ है? फैसू ने अक्रम से पूछा। सर वो बाहर गए हैं किसी दोस्त से मिलने। ठीक है सुनो, ये एड्रेस है, इधर तुम्हारी मालकिन रहती है, उसे शाम तक इधर चाहिए, ये समझे, और ख्याल रहे ज्यादा मसला ना हो और ये माहीन को कोई खरोश ना आए, समझे, जाओ और ये काम पर लग जाओ, फैसू संजीदगी से बोला। जी साहब जी, अक्रम बोला और निकल गया। बस अब इंतजार खत्म मेरी जान, अब बस चंद घंटे हैं मिलने में।
तक हो जगह का पता चल गया। शाजर जोश से बोला, अच्छा गुड यार, जल्दी बताओ कहाँ है वो तहखाना। मेजर है बोला। मेजर हैदर भी जरा शौक से बोला, सर फैसू भाई सॉरी, फैसू ने अपने ही घर में अंडरग्राउंड तहखाना बनाया है, मैंने वो जगह देख ली है पूरी, लातदाद असला वहाँ मौजूद है। मेजर कैप्टन शाजर ने पूरी तफसील मेजर हैदर को बताई। मेजर हैदर कुछ सोच रहा था। हैदर एक मसला हो गया, बासिल भागते हुए आया, भागने से सांस भी फूल गई थी। क्या हुआ, सब खैरियत, तुम इतने परेशान क्यों हो। मेजर हैदर बासिल को परेशान देखकर बोला, खैरियत नहीं है हैदर, ये सुनो, बासिल बोला और मोबाइल आगे किया। जैसे जैसे वो सुनता गया चेहरा गुस्से से लाल होता गया और शाजर शर्मिंदगी से सर झुकाए सुन रहा था। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, टुकड़े टुकड़े ना कर दिए ना तो मेरा नाम भी हैदर नहीं, कुत्ते की मौत दूंगा इसका बीच। मेजर हैदर का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। रिलैक्स बड़ी रिलैक्स, बासिल हैरत को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और शाजर खामोश सर झुकाए खड़ा था। इस नावल का अगला हिस्सा मेरी अगली वीडियो में, और अगर आपको मेरा ये नावल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। इसको कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।